हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है काल। तो आइए काल को समझते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। अब हम काल की परिभाषा को समझते हैं। तो आइए देखते हैं, क्रिया का वह रूप जिससे उसके होने का समय पता चलता है काल कहलाता है। क्रिया यानी कि जैसे कोई भी कार्य किया जाता है उसको कहते हैं क्रिया। तो उसके होने का जो समय होता है उसे काल कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि राज ने हिम्मत और जिंदगी पाठ पढ़ा था, ठीक। दूसरा उदाहरण है कि इशिता कपड़े धो रही है। एक इसमें उदाहरण है कि हमारी खेल कूद प्रतियोगिता 14 नवंबर को होगी। तो जो हमने यह तीनों वाक्य पढ़े हैं, इन तीनों वाक्यों को पढ़कर हमें क्या पता चला कि कोई कार्य ऐसा है जो हो चुका है, जो कोई कार्य ऐसा है जो हो रहा है, और कोई कार्य ऐसा है जो होगा, यानी कि क्रिया। यानी कि जो पहला वाला उदाहरण है उसमें लिख रहा है कि पाठ पढ़ा था, यानी कि इसमें जो पाठ पढ़ने की जो क्रिया है वह हो चुकी है। अब ये वाला जो उदाहरण है, इस उदाहरण में लिखा है कि धो रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, कपड़े धोने वाली। तो जो क्रिया है वह वर्तमान समय में चल रही है। और ये वाला जो उदाहरण है, इस उदाहरण में लिख रहा है कि होगी। होगी यानी कि अभी हुई नहीं है, ना ही चल रही है वर्तमान में, यानी कि वो आगे आने वाले समय में होगी। इस प्रकार सभी क्रियाओं का काल अर्थात समय अलग अलग है। इस प्रकार काल समय का बोध कराता है। अब हम देखेंगे काल के भेद। तो काल के कितने भेद होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस तरह से आप लिख लोगे, नंबर एक वर्तमान काल, वर्तमान काल, नंबर दो भूतकाल और नंबर तीन भविष्यकाल, भविष्यकाल। अब हम काल के इन तीनों भेदों को एक एक करके समझेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम भूतकाल के विषय में पढ़ेंगे। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, या वह भूतकाल कहलाता है। पूर्ण होने का मतलब है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है या जो कार्य है वह पूरा हो चुका है, यानी कि बीते हुए समय में वह कार्य पूरा हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे आप कि मनोज पुस्तक खरीदने गया था, यानी कि वो जो क्रिया है, जो पुस्तक खरीदने का जो कार्य है वह बीते समय में पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के छह भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, उसके बाद है पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमद भूत। अब हम भूतकाल के इन रूपों को क्रमशः एक एक करके समझेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले हम सामान्य भूत। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में होती है तो उसे सामान्य भूत कहते हैं।
सामान्यतः भूत में क्रिया के भूतकाल में होने का बोध होता है, लेकिन इसमें क्रिया के पूर्ण होने का पता नहीं चलता। यानी कि ये तो पता चलता है कि भूतकाल में यानी कि बीते हुए समय में यह कार्य हो चुका है, लेकिन यह नहीं पता चलता है कि वह क्रिया अभी पूरी हुई है या नहीं हुई है, तो उसे कहा जाता है सामान्य भूत। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है कि माली ने तरबूज काटा, माली ने तरबूज काटा। अब हमें यह तो पता चला कि यह क्रिया बीते हुए समय में हुई है, लेकिन अभी हमें यह नहीं इसमें पता चल रहा है कि यह जो कार्य है इसमें यह पूरा हो चुका है या नहीं हुआ है। तो इसलिए इसमें कौन सा काल है यह, इसे सामान्य भूत कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आसन भूत। जब क्रिया अभी अभी पूरी हुई हो तो उसे आसन भूत की क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्रधानाचार्य ने भाषण दिया है, भाषण दिया है, दिया है शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह जो कार्य है इसमें जो भाषण देने का कार्य हो रहा है वह जल्दी ही पूरा हुआ है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा भेद, और तीसरा भेद है पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत में हम पढ़ेंगे कि जब क्रिया भूतकाल में बहुत समय पूर्व समाप्त हो चुकी है तो उस क्रिया को पूर्ण भूत की क्रिया कहते हैं। यानी कि जब हमें यह पता चलता है कि कोई कार्य है, कोई क्रिया है, वह बहुत समय पहले ही पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उसको पूर्ण भूत, यानी कि पूर्ण का मतलब पूरा, यानी कि काम पूरा हो चुका है। तो जैसे इसमें उदाहरण है कि मदिरा ने खाना बनाया था, बनाया था, इससे हमें पता चल रहा है कि वह जो कार्य है वह पूरा हो चुका है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यह पूर्ण भूत की क्रिया होती है, पूर्ण भूत होता है इसमें। अब हम देखेंगे अपूर्ण भूत। जब क्रिया भूतकाल में आरंभ हो चुकी हो और अभी समाप्त न हुई हो तो उसे अपूर्ण भूत क्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे कि किसान फसल काट रहे हैं, काट रहे थे, तो इससे हमें पता चल रहा है कि अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है। तो यानी कि कोई कार्य है वह आरंभ तो हो चुका है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो जो पूरा नहीं होता उसे क्या कहा जाता है, अपूर्ण। अब हम देखेंगे संदिग्ध भूत। जिस क्रिया के भूतकाल में पूर्ण होने के विषय में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण देखेंगे, दूध वाला आ चुका होगा, आ चुका होगा से हमें पता चल रहा है कि अभी उसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, उसके बारे में संदेह है, मतलब ये नहीं पता है कि आया होगा या नहीं आया होगा, बस एक इसमें अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दूध वाला आ चुका होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संदिग्ध भूत, क्योंकि इसमें संदेह होता है, क्रिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है। हेतु हेतुमत भूत। जो क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु हो न सकी उसे हेतु हेतुमत भूत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए कि यदि महेंद्र समय पर पहुँचता तो परीक्षा दे लेता। यानी कि इसमें क्या कहा है कि यह क्रिया हो सकती थी लेकिन पूरी नहीं हुई है, तो उसे कहा जाता है हेतु हेतुमत भूत।